जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार पूरे जिले भर में दो पहिया चार पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों के ऊपर नंबर नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करके उन वाहनों पर नंबर भी डलवाए जा रहे हैं। जिसके पास वाहनों के कागजात, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे वाहनों के ऊपर भी कार्रवाई का दौर जारी है। वाहन चेकिंग से अपराधियों के ऊपर भी नकेल कसने का काम जारी है, क्योंकि बहुत सी बिना नंबर की गाड़ियां चोरी की भी होती हैं, जो बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ती दिखती हैं। लेकिन चेकिंग में ऐसी गाड़ियां पुलिस द्वारा पकड़ ली जाती है और पूछताछ की जाती है, जिससे उनका खुलासा होने लगता है। दूसरी ओर नाबालिग द्वारा दो पहिया वाहनों को चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर रोकथाम लग रही है। नाबालिग वाहन चलाने वाले को पुलिस द्वारा पकड़कर उनके माता पिता को बुलवा कर हिदायत दी जाती है। सर, अभी तक कितने चालान बनाए गए? अभी तक 8 चालान बनाए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चालक के पास रजिस्ट्रेशन, स्वयं का लाइसेंस और बीमा संबंधी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अगर नहीं है दस्तावेज तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जिन वाहन चालकों पर वाहनों पर नंबर नहीं लिखे हैं, प्रेशर हॉर्न लगा के रखे हैं, उन वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट इनके क्या समझाई दी जा रही है? बिना हेलमेट के संबंध में समझाई दी जाती है कि आप गाड़ी चलाते समय मोटर व्हीकल पर, मोटरसाइकिल पर विशेषकर आपको हेलमेट लगाना चाहिए, जो आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 18 साल के कम उम्र से बच्चे गाड़ी चलाने, उनको क्या समझाई दी जा रही है? 18 साल की कम उम्र के बच्चे अभी तक चेकिंग में आए नहीं है सामने। अगर आएंगे तो उनके परिवारजनों को, जो माता पिता हो सकते हैं, पिताजी होंगे, बड़े भाई होंगे, उनको बुलाकर समझाई दी जाएगी। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम उमेश व्यास, ASI ट्रैफिक थाना मंदसौर।